ये आपको पता होना चाहिए, नागिन डांस जो है घोड़ी के आगे होता है। अरे जीजा तुम हो के मैं हो? है आप ही हो, लेकिन समझो। एक्सक्यूज मी, क्या है ये सब? बीन बजा जीजा, नागिन डांस करेगा। जाओ बीन भी जा। बंद कर, शादी नहीं होगी ये। आप क्यों नहीं बीन बजा रहे हैं ना? ये साले बीन नहीं पकड़ी जाती, उल्टी पकड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, राइट बजाओ। मजा आ गया जीजा, मजा आ गया ना। हाँ। आप जाके शादी कर ले। कर ले बेटा। ना 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 खन्ना साहब, एंजॉय किया आपने? एक सेकंड। कर ले भाई, कर ले। हेलो खन्ना साहब। पंडित जी मंत्र पढ़ो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष। एक्सक्यूज मी पंडित जी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब भाई, इधर आ संभाल। ये जा, अब क्या तू मतलब जीजे को बेवकूफ समझता है? ये क्या है? मैंने शादी में देखा है, वरमाला से पहले दूल्हे को उठाते हैं। अरे मेरे प्यारे जीजा, आप दारू के गिलास उठा नहीं पा रहे, हमको क्या उठा पाओगे यार? अरे तू जीजे की पावर चेक करेगा अब? खन्ना साहब पावर चेक कर रहा है जीजे के। कमेंट। अरे लड़ना नहीं है यार, यहाँ लड़ना लड़ना। अरे थोड़ी, अरे थोड़ा इज्जत से यार। हिम्मत कैसे हुए पकड़ने की? मेहमान आया है यार, देखो मैं उठाऊंगा अपने साथ, मैं पैर पकड़ता हूँ जीजा। बात समझो यार, मेहमान आया, क्या कर रहे हो? अरे मेहमान जाऊँ ना? शादी है? शादी मैं नहीं हो सकती, खड़ा हो वहाँ पे। अरे जीजा सॉरी जीजा, खड़ा सीधा। अरे यार क्या समझता? टूट गई है। क्या टूट गई? शादी? हड्डी टूट गई, पता नहीं रीढ़ की है। जीजा अब ये शादी यहाँ होगी ही नहीं। अब अरेंज मैरिज नहीं जीजा, लव मैरिज होगी। अभी भाग के भागो। तुम भागो या इसको भगाओ? हाँ हम भागेंगे। और जीजा को उठा दो। भागो। खन्ना साहब मेरा यार, खन्ना आई लव यू खन्ना साहब। सारा काम नहीं आया यार, काम आ रहा। उठाओ खन्ना साहब, उठाओ। गोवा का प्लान सिर्फ 50,000 रुपए में। नहीं, 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होता है। 50,000 रुपए मार के 2 साल का राशन आ जाता है। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं आप। कहाँ हनीमून और कहाँ राशन यार, तुम मिडिल क्लास वाले लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर जगह राशन घुसेड़ देते हो। भाई साहब ये लीजिए, एक सेकेंड ये लीजिए, सिर्फ 25,000 में शिमला का प्लान। देखो क्या है, शिमला में ठंड बहुत पड़ती है तो सारी चीजें जम जाती हैं, तो फिर हम जम नहीं पाते हैं, तो शिमला कैंसिल। भाई साहब एक काम करिए, लास्ट प्लान है आपके लिए, 10,000 का गाड़ी बुक करिए, आप दोनों उसमें घुस जाइए और पूना घूमकर वापस आ जाइए। एक मिनट, अगर हमको पूना ही जाना है तो हम 10,000 का क्यों खर्च करें? हम 210 में बस में जाएंगे। अरे इतना तेज बस क्यों कह रही हो? मैं भी वही चीज कह रहा हूँ प्यार से। भाई साहब 210 खर्च करने की क्या जरूरत है यार, क्यों जाएंगे आप बस में? उससे बेटर प्लान है मेरे पास, आप अपने घर में ही पोस्टर लगा दीजिए पुणे का और हनीमून मनाइए। जी पता था आपसे कुछ नहीं होगा। भाई साहब आप एक काम करिए, जल्दी से यहाँ से जाइए, क्योंकि मुझे बहुत जोर से गुस्सा आई है।
भाभी जी मैं कर जोड़ कर हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से चप्पल उतार के इस बंदे के गाल पर धनाधन 3-4 चप्पल खींच कर मारिए कि मेरी रूह को सुकून मिलेगा। सुनिए भाई साहब, एक मिनट क्या कहा आपने? मतलब भाभी जी आप चप्पल उतार कर इस बंदे को 2-4 चप्पल खींच कर गाल पर मारेंगे मेरी रूह को सुकून मिलेगा? तो पोस्टर ही लगाना है तो तुमको समझाने की क्या जरूरत है? अरे सुनो जान नाराज हो क्या बहुत ज्यादा? हाँ वो तो लग रहा है, जानू कहने पे भी नहीं मानोगी। जानू कहने पे और गुस्सा आ जाएगा। अच्छा सुनो, एक सवाल का जवाब दो, आम खाना जरूरी है कि कहाँ जाके आम खाना है ये जरूरी है? कहाँ जाके आम खाना ये जरूरी है? जा रहा हूँ मैं। बाथरूम? नहीं, दुबई का टिकट कराने। दुबई चलेंगे? पहले बाथरूम चलेंगे। अरे भाई स्टार्ट हो गया। भाई ये पीला वाला झूला कितने का? ये पहलवान सांस कैसे ले रहा है, इसका ब्लैडर फटने वाला है। इसमें बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, जितना मर्जी कुछ कह लो आप। अच्छा आ? अभी चेक कर लेते हैं, इधर आओ पहलवान, कुछ भी नहीं होता तुम्हें। कुछ भी नहीं हुआ भाई, घूंसे मारो फिर भी कुछ नहीं होता। पकड़ो। अब बड़े बाबा। ये तो वाकई बहुत तगड़ा पहलवान है भाई, इससे लड़ना ही पड़ेगा आज। लेकिन असली योद्धा बिना हथियार वाले योद्धा पे हाथ नहीं उठाता, सच्चा पहलवान थके हुए पहलवान पे हाथ नहीं उठाता। पहले कुछ रिफ्रेशमेंट ले लो भाई, ये लो टॉनिक पी लो, ताकत वाला, ताकत आ जाएगी, हम रेडी होते हैं। भाई ठीक है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आ जाओ फिर मैदान में भाई। आ जाओ भाई आ जाओ। क्यों क्या हुआ, डर गए? अरे रुको सही पहलवान, अरे सुनो तो सही। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। दादाजी आप कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, सही सही बताइए ना, आपको आज मरना है या जीना है? अरे शैतान, मेरे मरने से क्या फायदा, जब देखो जब मेरे मरने के पीछे लगी रहती है। अरे दादाजी आपका मरना यानी हमारी एक छुट्टी, आपने हमारी छुट्टी ब्लॉक करके रखी है यार, समझे कि नहीं? आने दो तुम्हारे बाप को, बताता हूँ फिर तुम्हारे करतूतों के बारे में। पापा, पापा, पापा। आए अरे मार डाला। अरे ये लोग घर में एक दिन किसी ना किसी को मार जरूर डालेंगे, तेरे आने से पहले मुझे मार रहे थे, अब तुझे मार रहे हैं। नहीं, क्या कहा, मार डालेंगे, मेरे बच्चे मार डालेंगे, अब आपको मेरे बच्चे आंखों में चुभने लगे। हाय मैं मर क्यों नहीं गई? चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। हाथी कहीं की एक गिलास पानी कोई देगा नहीं तो मैं ही बेहोश होकर चक्कर आएगा गिर जाऊंगा। एक गिलास पानी नहीं, पहले ये लीजिए। बहू तुमने पहले से तलाक का पेपर रेडी करके रखा था क्या?